शनिदेव जी को तेल से स्नान कराएंगे। उसके बाद उन्हें रुक जाओ मैं एक मिनट रोक लूं। बाबा का स्नान हो चुका है, उसके बाद वस्त्रम समर्पयामि वस्त्र चढ़ाएंगे बाबा को। उपवस्त्रम समर्पयामि, काला कपड़ा हो तो वो भी विशेष दिन पे हम चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कलावाई चढ़ाते हैं। उसके बाद जनेयू समर्पयामि, बाबा को जनेयू दोनों एक ही हैं, जो लोहे की शिला है वो भी और जो पाषाण की इस पत्थर की शिला है वो भी, जनेयू समर्पयामि। उसके बाद तिलकम, चंदन का तिलक होता है नीचे वाले पे, चंदन का तिलक समर्पयामि। उसके बाद अक्षत समर्पयामि, उसके बाद काले तिल समर्पयामि, काले तिल चढ़ाएंगे। उसके बाद काली उड़द समर्पयामि। उसके बाद बाबा को जो पुष्प है वो लौंग का जोड़ा, फूल वाली लौंग का जोड़ा समर्पयामि, ये बाबा को बहुत प्रिय है। इसके बाद आग का पत्ता जो कि शनिदेव जी को चढ़ता है, आग का पत्ता समर्पयामि। ये कनेर जो बाबा को प्रिय है का पत्र, पत्रम समर्पयामि। ये ध्रुवा जो भी शनिदेव जी को चढ़ती समर्पयामि। इसके बाद ये देखिए ये अशोक का पत्ता है, अशोक के पत्ते जो चढ़ाएगा उसको कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, कभी शोक नहीं आएगा उसकी जिंदगी में। उसके बाद कनेर का पुष्प समर्पयामि, ये चंपा का पुष्प है जो भी शनिदेव जी को प्रिय है समर्पयामि। इसके बाद आप का फूल, छोटा सा है आप का फूल समर्पयामि। इसके बाद अभी मैं धूप बत्ती सब प्रज्वलित करना भूल गई हूँ, जो कि बहुत जरूरी है। धूप बत्ती प्रज्वलित हो चुकी है, इसको हमेशा हाथ से बुझाते हैं, कभी फूंक से नहीं। अब ये ऐसे बाबा की तरफ करेंगे, धूपम दीपम समर्पयामि। इसके बाद हम बाबा का फलम फलम समर्पयामि, भोग लगाओ बाबा, भोग लगाओ, भोग लगाओ। जो भी घर में था वो नैवेद्य मैंने बाबा के आगे फल जो है अर्पित कर दिए, भोग लगाओ बाबा। इसके बाद पंचमेवा का भोग लगाओ मेरे बाबा, पंचमेवा का भोग लग गया बाबा को। उसके बाद मैं क्या करूंगी, जो मैंने भोजन बनाया बाबा के लिए, शनिदेव जी को उड़द की दाल और दाल भात जैसे कहते हैं, उड़द की दाल और सफेद उबले हुए चावल बहुत प्रिय हो गए, बहुत ही पसंद है, उनका भोग हम बाबा को लगाएंगे। अब इसके हमारा सारा कुछ पूजन संपूर्ण हुआ, भोग भी लग गया। अब उसके बाद हम बाबा की एक विशेष स्तुति करेंगे कि बाबा को बोलेंगे, हे शनिदेव महाराज, आपके दादा कश्यप जी, दादी अदिति जी, पिता सूर्य देव है, माता छाया देवी, बड़े भाई यमराज जी हैं और मनु जी हैं, आपकी बड़ी बहन यमुना जी हैं, आपकी छोटी बहन भद्रा जी हैं, हे शनिदेव महाराज, आपकी पत्नी चित्रसेन जी की पुत्री मंदा देवी हैं, आपके परम मित्र हनुमान जी हैं, परम इष्ट कृष्ण जी हैं, परम गुरु सदा शिव हैं, आपकी सदा ही जय हो। हे मेरे शनिदेव महाराज, मैं आपकी शिष्या हूँ, आप मेरे पर अपनी सदा कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब शनिदेव महाराज जी को हम बोलेंगे, आपका शरीर कृष्ण लील नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव जी को नमस्कार है जो जगत के लिए कालाग्नि एवं कृतांत रूप है, उन शनिश्चर देव को बारंबार नमस्कार है, जिनका शरीर कंकाल है तथा जिनकी दाढ़ी मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव जी को प्रणाम है।
हे शनिदेव महाराज, आपके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनिश्चर देव को नमस्कार है, जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं और लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं, जिनकी दाढ़े काल रूप हैं, उन शनिदेव जी को बारंबार प्रणाम है। हे शनिदेव, आपके नेत्र खोखले नेत्र के समान हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप घोर रुद्र भीषण तथा विकराल हैं, आपको नमस्कार है। हे बलिमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे सूर्य नंदन भास्कर पुत्र अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव महाराज, आपको प्रणाम है। हे भगवान, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनिश्चर देव महाराज, आपका प्रतीक तलवार के समान है, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपने देह को दंड कर लिया है, आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहने वाले हैं, आपको सदा सर्वदा प्रणाम है। हे ज्ञान देव, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन सूर्य के पुत्र शनिदेव महाराज, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण क्षीण कर देते हैं। देवता असुर मनुष्य सिद्ध विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। हे देव, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपके वर पाने के योग्य हूँ और मैं आपकी शरण में हूँ। इसके बाद शनिदेव जी, जैसे उन्होंने हमारी स्तुति सुनी है, दशरथ जी ने शनिदेव जी की स्तुति की थी, तो शनिदेव जी ने क्या कहा, राजन, देवता असुर मनुष्य सिद्ध विद्याधर और राक्षस, इनमें से किसी ने भी मृत्यु स्थान जन्म स्थान तथा चतुर्थ स्थान में यदि मैं रहूं, मतलब शनिदेव महाराज कह रहे हैं, तो उसे मृत्यु का कष्ट मैं दे सकता हूँ, किंतु जो श्रद्धा से युक्त पवित्र होकर मेरी लोहमयी सुंदर प्रतिमा का पूजन करके तिल मिश्रित उड़द भात जो हमने भोग लगाया है और काली गाय का दान ब्राह्मण को करेगा, विशेषतः मेरे दिनों में इस स्त्रोत का पाठ करेगा जो अभी मैंने बोला, हिंदी रूपांतरण अभी मैंने तुम्हें आपको पढ़ के सुनाया है, अब मैं संस्कृत भी पढ़ूंगी, फिर हाथ जोड़ के हम बाबा से बोलेंगे, ए बाबा हमारी पीड़ा को खत्म करो। बाबा कहते हैं मैं तेरी सब पीड़ा हर लूंगा, मैं तेरी सदा रक्षा करूंगा। शनिदेव महाराज कह रहे हैं इसी विधान से सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। आप ये शनिदेव महाराज स्तुति करने वाले को वरदान देते हैं। अब मैं आपको इसका संस्कृत में रूपांतरण सुनाऊंगी क्योंकि वो ज्यादा सिद्ध माना जाता है। आप सुनिए, सुनने और करने का सेम फल होता है, आप सुन भी सकते हैं। नमः कृष्णाय नीलाय क्षिति कंठ निभाय च, नमः कालग्रि रूपाय क्रंताय च वै नमः, नमो निर्मा सदेहाय दीर्घश्रु जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमने च वही पुनः, नमो दीर्घाय शुष्काय काल दृष्ट नमस्तुते, नमस्ते कोट राक्षाय दुर्निरीक्षाय वही नमः, नमो घोराय रौद्राय विष्णाय करालिने, नमस्ते भर भक्षाय बलिमुख नमस्तुते, सूर्य पुत्र नमस्तुते भास्कर अभेदाय च, अधो दृष्टे नमस्तुते संवृत नमस्तुते, नमो मंद गते तुभ्यम ऋष्याय नमस्तुते, तपसा दग्ध देहाय नित्यम योगरताय च, नमो नित्यम श्रुदताय अतृप्ताय च वही नमः, ज्ञान चक्षु नमस्तुते कश्यपतात्म संवेद तुष्टो ददासी वही राज्यम रुष्टो तदसी तत्क्षणात् देवासुर मनुष्यात् सिद्ध विद्या धरो रगा तव्या विलोकिता सर्वे नाशम यान्ति समूलतय प्रसादम कुरु मे देव बारहम मुह पागतय। ये शनिदेव महाराज जी की स्तुति है, इसे अवश्य हमें कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो अवश्य हमें सुननी चाहिए। शनिदेव महाराज की सदा ही जय हो। अब हम शनिदेव महाराज जी की आरती करेंगे क्योंकि आरती के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। कपूर से आरती करेंगे।
गणेश जी की आरती शुरू करेंगे। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देव, माता जाति पार्वती पिता महादेव, एक दत्त दयावंत चार भुजा धारी, माथे पे सिंदूर सोए मोसे की सवारी, अंधन को आंख दे, कोढ़िन को काया, भांजन को पुत्र दे, निर्धन को माया, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लग संत करे सेवा, दीनन की लाजर को शंभो सुतवारी, कामना को पूरा करो जाए बलियार। अब शनिदेव महाराज, क्योंकि आरती की बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। हे मेरे शनिदेव बाबा, जय जय श्री शनिदेव भक्त निकारी, सूरज के प्रभु पर पुत्र प्रभु छाया महतारी, श्याम अंकर वक्र दृष्ट चतुभुजाधारी, निरंबर धार नाथ गज की असवारी, जय जय शनिदेव महाराज, कृट मुकुट शीश शैज दिलक दीपत दिलारी, मुक्तन की माला गले शौकत बलियारी, मोदक मिष्ठान पान चढ़त सुपारी, लोहा थी लुढ़ा दौड़त महिषी अति प्यारी, देव धनु ऋषि मुनि सूरत गण नारी, ऋषि नाथ धर्म ध्यान शरण है तुम्हारी। हे शनिदेव महाराज, हम इसके बाद दीपक को शांत करेंगे, बाबा को देंगे और फिर स्वयं लेंगे। अब जो हमने प्रसाद बनाया बाबा को अर्पित करा था, वो परिवार में बांट देंगे। हे शनिदेव महाराज, आपकी सदा ही जाओ, अपने भक्तों पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। आप न्याय के अधिकारी हैं, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हमें फल देने वाले हैं। आप सदा ही न्यायकारी हैं, जो बुरे कर्म करते हैं उनको आप दंडित करते हैं, और आप सदैव परीक्षा लेते हैं। अच्छे लोगों पे अगर ढहिया आए, साढ़े सती आए, आप उनको शुभ कर्म देते हैं, और जो खराब लोग होते हैं उनको आप दंड देते हैं, दुष्परिणाम भोगना पड़ता उन्हें आपको। आपका सदा ही नमस्कार, और आपका सदा ही धन्यवाद। हे मेरे बाबा, आपकी सदा ही जय।